Hey everybody, welcome to my vlog. Myself Aishwarya Saxena और आज का vlog काफ़ी special होने जा रहा है because it is special for me. And why today is so special? Because आज मेरी sister का birthday है. तो किस तरीके से मैंने उसके लिए gifts plan किए हैं, किस तरीके से मैंने उसके लिए थोड़ा birthday surprises plan किए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. और चलिए शुरू करते हैं. पहले से तो मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, तो मैंने कोई कॉफ़ी मग या इस तरीके का कुछ परचेज़ नहीं किया. तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे माइंड में सुबह सुबह आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी नॉर्मल से मग पर ही मैं पेंट करके हैप्पी बर्थडे टू यू वगैरह लिख दूँ और उसे अच्छा लगेगा. तो फिर मैंने एक नॉर्मल सा मग लेकर उस पर जो मेरे पास पहले के पेंट कलर पड़े थे पुराने, क्योंकि मैं अब तो पेंटिंग एग्जैक्टली तो अभी तो नहीं करती ना, तो जो पहले वाले थे वही उसी को मैंने यूज़ किया जो मेरे पास अवेलेबल था. और उससे मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू एंजल लिखकर थोड़ा सा डेकोरेट जितना मेरे से पॉसिबल था करके उसमें कॉफ़ी या टी मैंने प्लान किया था. फिर मैंने चाय उसको सबसे पहले मॉर्निंग में इसी में दी बना के, उसके उठने से पहले मैंने इसको बना लिया था डेकोरेट करके और सिंपली सुखाने रख दिया था सूखने के लिए ताकि ये बहे ना, क्योंकि था तो ये टेम्परेरी, एक वॉश में इसे चले जाना है. बट फिर भी मैंने सोचा कि अच्छा लगेगा तो मैंने ये किया और मैंने बता दिया था कि टेम्परेरी है ये. और मैंने उसके लिए ये कार्ड जो है प्रिपेयर कर रही हूँ मैं. बेसिकली ये कार्ड एक्चुअली इट्स लाइक कैंडी मैसेज कार्ड जिसको मैंने 4 पंच शीट्स की हेल्प से, लाइक मेरे पास एक्चुअली चार्ट पेपर भी नहीं था तो ये सब मैंने सडनली प्लान किया. ऐसा नहीं था कि मेरे बहुत प्रीवियस के एक महीने पहले से या एक हफ्ते पहले से मैं प्लान कर रही हूँ, तो मुझे आइडिया आया तो मैंने इसको बनाने की सोची. तो चार्ट पेपर नहीं था तो मैंने 4 पंच पेपर 4 नॉर्मल से लाइक A4 शीट की हेल्प से ही उसको कंबाइन करके एक लाइक बड़ी सी शीट बना ली थी. फिर उसके ऊपर डिफरेंट मैसेजेस और ये सब लिखकर मैंने सोचा कि उसको दूंगी तो उसे अच्छा लगेगा. इस तरीके का पहले मैंने कभी उसे दिया नहीं तो मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही थी उसके लिए, और ये उसके लिए बेसिकली काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ रहा. और मैंने लाइक यहाँ पर सब मैसेजेस वगैरह लिखकर, वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा लाइक क्रिएटिव नहीं हूँ सच बताऊँ तो, बट हाँ मैंने कोशिश की, मैंने सोचा कि उसे अच्छा लगेगा कुछ डिफरेंट होगा तो मैंने ये बनाया. और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस तरीके से कार्ड्स वगैरह आप लोग बनाते हैं कि नहीं. और मैंने इस पर लाइक डेकोरेशन करने के बाद जितना मेरे से पॉसिबल जितना मुझे आइडिया आ रहा था उसके बाद मैंने इस पर चॉकलेट्स वगैरह भी लगाई, क्योंकि मुझे एक कैंडी मैसेज कार्ड बनाना था तो इसको पूरा जितना मेरे से पॉसिबल था जितना दिमाग में आइडिया आया उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने इसमें चॉकलेट्स भी लगाई. हालांकि ऐसे भी अच्छा लग रहा है बट फिर चॉकलेट्स लगने के बाद एक कंप्लीट कैंडी गिफ्ट मैसेज वाला टाइप का हो गया था. तो यहाँ पर मैंने अलग अलग मैसेजेस लिखकर अपनी सिस्टर के लिए इसको डेकोरेट किया था. वैसे आप लोगों को मेरा ये कार्ड आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा कि मतलब मैंने ये कैसा बनाया. और हाँ, हो सकता है ये काफ़ी चाइल्डिश लग रहा हो बट फिर भी वो मुझसे छोटी ही है तो फिर उसके लिए मैंने ये बनाया था. फिर मैंने मॉर्निंग में उसको लाइक मग देने के बाद और ये कार्ड देने के बाद उसके लिए बनाई चाव चाव, लाइक चाउमीन मैंने घर पे बनाई. ये चाव चाव थी तो इसमें बिल्कुल मैगी जैसा मसाला था तो मैंने इसको बॉयल वगैरह करके इसमें जैसे मैगी बनती है उस तरीके से, मतलब मैंने सोया सॉस वगैरह ऐड नहीं किया था इसमें क्योंकि उसमें साफ साफ बिल्कुल वैसे ही लिखा था जैसे मैगी की रेसिपी लिखी होती है. मैंने नॉर्मली सारी वेजिटेबल्स लाइक काट के साथ में पीज और स्वीट कॉर्न वगैरह सब कुछ ऐड करके और उसका मसाला वगैरह ऐड करके इसे बनाया था. तो ये काफ़ी टेस्टी बनी और मेरी सिस्टर को बहुत अच्छा भी लगा खाने में और उसको भी अच्छी लगी. ये बात ये सही रहा, मतलब कि सही भी बनी थी और उसे भी पसंद आई, तो ये भी एक सरप्राइज़ हो गया मेरी तरफ से उसके लिए. फिर लंच में अरेंजमेंट किया मुरादाबादी वेज बिरयानी का, और ये तो सभी को यहाँ पर काफ़ी पसंद है मेरे घर में तो ये लाए थे बाज़ार से. मम्मी ने बनाई थी खीर, तो मम्मी खीर बहुत अच्छी बनाती हैं और हमारे यहाँ हमेशा किसी की भी बर्थडे होती है तो खीर बनती है घर पे. तो मम्मी ने बहुत अच्छी सी खीर बनाई और उसको मतलब हम लोग उसका टीका वगैरह भी करते हैं, भगवान को भी चढ़ाते हैं तो खीर बनती है. तो खीर बनी थी, वो तो बहुत लाजवाब सी बनाती हैं मम्मी, तो ये भी उसका बर्थडे लाइक प्लानिंग में एक एड ऑन था. हाँ मम्मी ने किया था बट हुआ था.
फिर बारी आती है गिफ्ट्स की, तो मैंने उसको लाइक दो टॉप्स, एक टॉप ये वाला तो मैंने उसके साथ जाके वाइट वाला परचेज किया था, और ये वाला जो था मैंने ऑनलाइन मंगाया था जो कि कल आ गया था एक दिन पहले ही। और ये वाला टॉप जो है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर डिलीवर हुआ, तो बेसिकली मैंने उसे तीन टॉप गिफ्ट किए। मॉर्निंग में मैंने उसे हैंकी वगैरह दिया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था ये वाला टॉप डिलीवर हो पाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर ये वाला टॉप भी डिलीवर हो गया था एंड इट वॉज रियली नाइस, लाइक उसे बहुत पसंद आया, ये अच्छी बात है, तीनों ही टॉप उसे पसंद आए। देन द बर्थडे एसेंशियल केक, तो पाइनएप्पल केक आया था और साथ ही मैं लाई थी मैं उसके जाकर, और शाम को क्या लाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बालाजी स्वीट्स चले गए थे और शाम का टाइम था तो समोसे और इमरती ले आए, इमरती पापा को भी पसंद है मुझे भी पसंद है, तो इमरती और समोसे ले लिए थे और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। रात में मम्मी ने बनाया था बटर पनीर और नान, और साथ ही साथ चाउमीन भी थी, और चाउमीन हम लोग लाइक मार्केट से ले आए थे, एक बस फुल हम लोग ले आए थे थोड़ा साथ के लिए, बट बहुत ज़्यादा खाना हो गया था और मम्मी ने बहुत लाजवाब से लाइक नान और बटर पनीर बनाया था, तो ये साथ में साथ चाउमीन भी थी, सब हो गया इतना कुछ। लेकिन पार्टी करनी थी तो अरेंजमेंट्स किए, वो बात अलग थी, खाना ज़्यादा हो गया था, और कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स भी लाए थे, तो आइसक्रीम लाए थे टूटी फ्रूटी वाली, और साथ में हम थम्सअप वगैरह ले आए थे, तो ये सब तो रहते ही है। सो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको भी कुछ आइडियाज़ मिले होंगे बर्थडे गिफ्ट से रिलेटेड या सरप्राइजेस से रिलेटेड। तो मेरे ही चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें मैंने 20 बर्थडे सरप्राइज आइडियाज़ शेयर किए हैं, तो आप उसकी हेल्प से भी सरप्राइजेस प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से आप बर्थडे पर एनिवर्सरी पर अपने फ्रेंड्स को अपने सिबलिंग्स पेरेंट्स किसी को भी बर्थडे गिफ्ट्स प्लान कर सकते हैं, उनके लिए सरप्राइजेस प्लान कर सकते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं और कार्ड पे मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आई बटन पे आपको मिल जाएगा उस वीडियो का भी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।